स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। कर्नाटक में 13 साल के लड़के में दिमाग को प्रभावित करने वाली दुर्लभ कोविड-19 जटिलता का पता लगा है। राज्य का पहला मामला है। SS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर ने रविवार को ये जानकारी दी। इसे बचपन की एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एनसेफेलोपैथी कहा जाता है। इस जटिलता की पहचान यहाँ के निकट के गाँव हनुनाहद गली में एक बच्चे में हुई है। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एन के कलमपन्नावार ने PTI भाषा को बताया कि बच्चा कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद ठीक हुआ था और बाद में वो NEC के पीड़ित हो गया था। उन्होंने कहा, अब तक हम यही समझ रहे थे कि बच्चों को कोविड-19 के बाद सिर्फ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की जटिलता का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन अब हमें NEC को भी देखना होगा। उन्होंने बताया कि उनकी नज़र में जटिलता का ये पहला मामला राज्य में सामने आया। बच्चे के शरीर में एंटीजन की उच्च मात्रा पाई गई थी, जो कि ये संकेत देता है कि वो संक्रमित था। उन्होंने कहा कि बच्चा अब स्वस्थ हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर समय से इसकी बीमारी का इलाज ना हो तो प्राण घातक हो सकता है। इस बीमारी का इलाज भी काफ़ी महंगा है, क्योंकि एक इंजेक्शन की कीमत 75,000 से ज़्यादा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,040 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिविटी मामलों की संख्या 3,02,33,183 हो गई है। साथ ही 1,258 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 3,95,751 हो गई है। 57,994 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,92,51,049 हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,86,403 है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें CTD न्यूज़, और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।